शिमला जा रहे हैं, रास्ते में इतना भयंकर कोहरा है, रोड भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। और अभी बागपत से ही निकले हम लोग, टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 12:45। ये देख सकते हैं आप, 11:42। कहीं कहीं कोहरा इतना ज्यादा है कि गाड़ी की बिल्कुल रोड दिखाई नहीं दे रही, और कहीं बहुत हल्का है जिसमें हम इजीली चल रहे हैं। हमें राइट टर्न लेना था लेकिन कोहरे के कारण वो टर्न हमें दिखाई नहीं दिया। देखे ड्राइवर साहब, आपका गड्ढा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, जब हम नहीं देख पा रहे तो आप ही क्या देख पा रहे हो? गाड़ी में हम चार लोग बैठे हैं और रात के 12 बज रहे हैं, इतना कोहरा हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। गाड़ी की स्पीड आप देख सकते हैं, 20 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। गाड़ी का मीटर दिखा देते हैं जी, ये लीजिए, 20 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, सामने आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर खाने पीने हगरे मूतने बैठने सोने सब की सुविधा उपलब्ध है, देख सकते हो। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग शिमला जा रहे हैं। यहाँ सोनीपत से करीब 10 किलोमीटर पहले हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं चाय कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। ये ढाबा बहुत अच्छी लोकेशन पर है, आप देख सकते हैं ट्रक की दुकान खड़ी है, पूरी सब चीज़ है यहाँ ढाबे पर, हर चीज़ की व्यवस्था है। आप देखिए, दिखाओ, आप देखिए यहाँ पे टॉयलेट, नहाने धोने की सबकी सुविधा है। तो अभी इनके पेट में गड़बड़ चल रही है, हमारे साथ जो भी लोग चल रहे हैं अभी माउंटेन ड्यू पी रहे हैं, काला नमक डाल के, देखिए आप देख सकते हैं, काला नमक। ये देख रहे हैं आप चंडीगढ़ हाईवे, इस वक्त यहाँ से 150 किलोमीटर है चंडीगढ़। कहीं कोहरा, कहीं बारिश, कहीं है बर्फबारी। तो अभी हम कहाँ पहुँच गए? अभी हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए, चंडीगढ़ के आसपास। चंडीगढ़ से 70-80 किलोमीटर सुंदर से ढाबे पे रुके हुए, सरदार जी के ढाबे। अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे। देखो रात को 2:30 बजे यहाँ सेल्फी ली जा रही है, बहुत ही तरीके चैन से सोना है तो जाग जाओ, लोन लो और भाग जाओ। चाय इधर देखो, क्या कर रहे हो? चाय लोट मारो, ही नींद आ रही है, गद्दे वो पड़े वैसे है यहाँ पर, अगर तुम सोना चाहो सो सकते हो। ये सोने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, भाभी ना सोया जावे, और यहाँ चाय बन रही है, चद्दर गद्दे ना है पर। मैं एक दो जगह दो जगह आग जलाई है, ये देखिए आप देख सकते हैं लगी है लाइटर। अब इधर हम चेयर पे बैठ जाते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। अभी हम यहाँ एक ढाबे पे रुके हुए हैं, सरदार जी ढाबा पे, वो गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी हुई है। और अभी थोड़ा हाथों को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है। सुलगाते रहो, सुलगाते रहो, फुकनी लाऊं? फुकनी एक फुकनी साथ लानी चाहिए थी वैसे कायदे में। तो ये आग जल चुकी है, और अभी हम यहाँ पे हाथ अपने तापते हैं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाथ ताप रहे हैं, ये तो नहीं, तो नींद आती रहती है। बोट रॉकेट, दिस इज बोट क्या ढूंढ रहे हो? असला देखते क्या निकालते हैं। देखिए
रहा था और ऊपर जाना है ध्यान से। ये चार पांच लोग हैं ना? अरे एक एक क्या सब लोग या चार पांच एक पांच छह लोग हैं। आठ लोग वो भी पिएंगे। आप एक मिनट ले लीजिए। अच्छा ये किसकी है? आठ लोग हैं। लोगों की कर दो इकट्ठा। आठ ए तो वही तो लग गए। यहाँ पर तो नहीं क्या है? इतनी हर दवा दे आठ जोड़े। शिमला का जब माल रोड है वो इंडिया का सबसे बेस्ट माल रोड से एक है। तो यहाँ पर एक सिंगल आपको सड़क नहीं मिलेगी, एक सिंगल सड़क आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारी उससे सड़क से ही कनेक्टेड बहुत सारे रोड्स आपको मिल जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि शिमला के अंदर एक माल रोड नहीं है, चार माल रोड है। जी हाँ, ये भी हमें यहाँ आकर पता लगा है। एक हमारे साथ थे बंदे, उन्होंने बताया था कि जहाँ, तो मैं कह रहा था कि हम इस वक्त है शिमला के माल रोड में, और शिमला का जो माल रोड है बहुत ज़बरदस्त माल रोड है, इंडिया का टॉप मोस्ट माल रोड में से एक। जैसा कि भैया ने बताया यहाँ शिमला में चार माल रोड हैं। चार माल रोड होने के साथ साथ शिमला भी दो हैं, छोटा शिमला बड़ा शिमला, शिमला एक शिमला दो। अब आप डिसाइड करिए घर से निकलते हुए आपको किस जगह जाना है, शिमला एक में जाना है, शिमला दो में जाना है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और अगर आप हमारे एक्सपीरियंस से चलेंगे तो शिमला एक में ही जाना बेहतर है, वहाँ से माल रोड पास है, होटल बहुत अच्छे होटल बहुत किफ़ायती रेटों में बहुत अच्छे होटल मिल रहे हैं। मैक्सिमम 1400 रुपये से स्टार्ट है और आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतने का होटल ले सकते हैं अपने हिसाब से। सेब को खाना उस सेब को खाना दिन रात का फर्क है। अच्छा, वो तो रोई की तरह ऐसे है, ये जूसी है। तो ये दो कलर अलग अलग में आ रहा है। जैसे आपने सेब खाना तो गोल्डन ही खाने लायक। अच्छा, उसका जूस कम हो गया है। कहाँ यहाँ का है गोल्डन सेब? खाने पीने का है, इधर आए। पंजाब पंजाब इधर भी ऊपर आजाद है या बहुत सारे।
ये हमारा रूम है, बाहर से बंद होगी, एमसीवी की हुई है और यहाँ पे एक एलईडी लगा हुआ है और ये एक बेड है, काफ़ी अभी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ये सिंगल बेड यहाँ पे और ये मोंटी भैया बैठे हुए हैं हम सामने, ये डबल बेड है, व्यवस्था थोड़ी ख़राब हो चुकी है, ये रात हमने यहाँ पे खाना खाया था और यहाँ से ये बालकनी जैसी विंडो, टॉयलेट है। ये छोटी बेटी ले लेना ना, छोटी हाँ एक टेस्ट करा रहे हैं, कौन सा टेस्ट, लाल वाला दिखाओ, लाल वाला दिखाओ, ये क्या रेट है, 300 रुपये पैसा मिल गया। अच्छा हम सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ट्रक से पेट्रोल निकाल कर अपनी स्विफ्ट डिजायर में डालने वाले हैं। ये हमारी गाड़ी